मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है गोरा बादल। हमारे हिंदी साहित्य के कवि पंडित नरेंद्र मिश्र की ये रचना है। बहुत सुंदर और अद्भुत रचना है। इस रचना में कवि ने एक प्रसंग को, एक घटना को दोहराया है, एक घटना का निरूपण किया है कि जो कुछ इस तरह से है कि गोरा बादल दोनों मेवाड़ के महाराणा रावल रत्न सिंह के विश्वस्त सेनापति है। दोनों बहुत शूरवीर और पराक्रमी अप्रतिम योद्धा है। महाराजा की पत्नी जो महारानी पद्मिनी है वो बहुत ही सौंदर्यवान है। सुंदरता के साथ साथ वो चारित्रवान और तेजस्वी भी है। दिल्ली का शहंशाह खिलजी वो पद्मावती को पाने की कामना करता है। अब लोकश्रुति है कि उस वक्त एक राजकीय संधि होती है। खिलजी जो है वो महल में मेहमान बनकर राणा के वहां आते हैं और पद्मावती को आईने में दिखाया जाए, ऐसी संधि होती है। इस संधि का सेनापति विरोध करता है। वो राजा से कहते हैं कि हम ऐसे कैसे हमारी महारानी को आईने में भी दिखाए। उस विवाद में, उस मतभेद में जो सेनापति है वो राज्य छोड़कर चले जाते हैं और उस समय दौरान खिलजी छल से महाराणा को कैद कर लेते हैं। अब संग और दिल्ली से एक संदेशा आता है खिलजी का कि 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी को दिल्ली नहीं पहुंचाया गया तो हम राणा को मार डालेंगे। अब राज्य पर संकट आ जाता है कि अब क्या किया जाए। महारानी चिंतित है। महारानी अब कुछ अपनी अंगरक्षिकाओं और विश्वस्त सैन्य दल के साथ सेनापति को ढूंढने के लिए जंगल में निकलती है। जंगल में उसे सेनापति मिल जाते हैं। वहां पे वो जो खिलजी का पैगाम है वो सेनापति को सुनाती है और दो हाथ जोड़ के राणा की ओर से वो माफी मांगती है। तब सेनापति की अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वामी के प्रति जो निष्ठा है वो जागृत होती है और महारानी से कहते हैं कि हम किसी भी हाल में राणा को मुक्त करके रहेंगे। और वो एक योजना बनाता है। उस योजना के अनुसार वो राणा को मुक्त भी करवाते हैं पर खिलजी के साथ जो युद्ध होता है उस युद्ध में गोरा बादल दोनों शहीद हो जाते हैं। गोरा बादल दोनों काका भतीजे हैं। और इस रचना में कवि ने करुण रस और शौर्य रस से भरपूर बनाई है। बहुत ही सुंदर और अप्रतिम रचना है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको भी शायद अच्छी लगेगी। शायद नहीं, अच्छी ही लगेगी क्योंकि है ही ऐसी रचना। तो चलो हम शुरू करते हैं। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि न पद्मिनी का डोला आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर रावल रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, ये बिजली की तरह क्षितिज में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुझ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हटके से पहचानू। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कह के गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। हे यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला। फिर राजपूती गरिमा का धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की तुम ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम महलों में निश्चिंत रहो और देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी।
खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, राणा के शकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के शकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा, एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजक भी न रोक पाएंगे, शब्द शब्द मेवाड़ी सेना पति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को कि पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो संग लिए आती है, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था, और 700 सैनिक जो यम से भी भीड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर चढ़ गए सज गई डोलिया पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में, बजा कुछ का शंख की सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव के ध्वनि से दशो दिशा लहराई, हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर्मत वाले, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जहां पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, जहाँ पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूध भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलिया भी लाई है, एक मगर फरियाद उनकी फकत पूरी करवा दो, एक मगर फरियाद उनकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा ये कह के फौरन हुक्म दिया था, खिलजी उछल पड़ा ये कह के फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था, वो शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे, क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा बादल वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का, ये लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलिया लिए गोरा पीछे धाएगा, ए बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए सब आंधी बन जाए, जैसे ही राणा आए सब आंधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग व शकुशल पहुंचाए, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर मत जाने देना, एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना, ऐसा ही होगा काका मेरे लाल लाडले बादल, आन न जाने पाए तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए, ऐसा ही होगा काका राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी, तो फिर आ बेटा बादल गले से तुझे लगा लो, हो न सके शायद मिलना अंतिम लाड़ लड़ा लो, यह कहकर बाहों में भर कर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भराया, सावधान कह पुनः पथ पर चढ़े गोरा सेनानी, जड़ से पोंछ लिया बुढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भराए, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था, जब लिया उसने समझ कि पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा, दृष्टि फिरी गोरा की मानो राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया,
जैसे ही राणा चले शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो में वाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, टूट पड़ो में वाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव से गर्जा नब्बे दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर वहां तो गोरा हिमगिरी सा आड़ा खड़ा था। बोला, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न, उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के गोरा महाकाल बन रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा धीरे हुए थे, पर मानो वो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता है जैसे कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उजर उधर विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण में दहली दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिप कर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, उतार दिया शीश धोखा देकर मन में हर्षाया। पर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक ही वार में शाही सेनापति को काट दिया था, मोहम्मद जफर ने केवल धड़ को निर्जीव किया था। जूही जोही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बुत्ते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कह के उस क्षण बादल बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक नडिगा वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी। मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अड़िदर काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियो के शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा पर राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, लेकिन रत्न सिंह पर रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके कारण रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई।